मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु के नाम पर देश की जनता के साथ ठगी की है। कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा इस ऐप को डाउनलोड करना आवश्यक बनाया गया था, लेकिन अब बाहर आई जानकारी के अनुसार ये ऐप किसने बनाया था सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। सूचना आयोग के माध्यम से हुए खुलासे से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ऐप को जरूरी बता रहे थे, वह एक सरकारी ऐप नहीं बल्कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा अपने फायदे के लिए तैयार किया गया ऐप था। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपराधिक साजिश है, देश की जनता के साथ धोखा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था कि इस ऐप के माध्यम से लोगों की आवश्यक जानकारी लीक की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा सरकारी फरमान जारी कर इस ऐप को सबको डाउनलोड करना आवश्यक बनाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह का षड्यंत्र रचकर जनता की आवश्यक जानकारी चुराई गई है, जिसके लिए भाजपा सरकार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दीपक शर्मा ने कहा कि इस ऐप से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसको बनाने वाले निजी व्यक्तियों को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और इसको बनाने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सरकारी संपत्तियों सहित संपूर्ण महत्वपूर्ण सेवाओं को चंद निजी हाथों को एक सोची समझी रणनीति के तहत बेचा है। ये भाजपा के भ्रष्ट राष्ट्रवाद का उदाहरण है। देशभक्ति के नाम पर देश को लूटा जा रहा है। वर्षों की मेहनत से बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों, रेल सेवा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा षड्यंत्र करके की जा रही इस मनमानी का कांग्रेस विरोध करती है और जन जन को जागरूक करके भाजपा के इस भ्रष्ट षड्यंत्रकारी चेहरे को बेनकाब करेगी। आज आरोग्य सेतु के संबंध में जो जानकारी मीडिया के माध्यम से आई है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि सरकार का कहना है कि हमें ये जानकारी नहीं है कि ये ऐप किसने बनाया था। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए पूरे देश के साथ जो है वो झूठ बोला, और सरकार ने इस ऐप को हर जगह पर डाउनलोड करना सुनिश्चित बनाने के लिए अधिसूचना जारी की और इसको ज़रूरी बनाया, लेकिन इस ऐप का जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब ये साफ नज़र आ गया है कि इस ऐप के माध्यम से भी जनता को ठगा गया, और जिन लोगों ने इस ऐप को बनाया है, जिसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है, उनके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से जो आम जनता की जानकारी है, उस जानकारी को वहाँ से चोरी किया गया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने समय रहते चेताया था कि इस ऐप के माध्यम से आम जनता का निजी डेटा जो है वो लीक हो रहा है और इस ऐप के बंद किया जाए, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार और जितनी प्रदेश में सरकारें हैं, उन सरकारों ने जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बड़े घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह ऐप का इस्तेमाल करके, या उन लोगों को जो निजी क्षेत्र में हमारी सरकारी उपक्रम हैं उनको देने की बात हो, उन सबको देकर जो है देश के साथ धोखा किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस ऐप के संबंध में जब ये जानकारी आई है कि सरकार को मालूम नहीं है कि किसने ये ऐप बनाया है, तो सरकार के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। देश की जनता का डेटा चोरी छुपे चुराने के एवज में और जनता के साथ झूठ बोलने के एवज में निसंदेह आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से देश के मेहनत से, कड़ी मेहनत से तैयार किए गए सरकारी उपक्रम हैं या सेवाएं हैं, उन सेवाओं को निजी बड़े घरानों को दे रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस कृत संकल्प है। हम इस बारे में चुप नहीं बैठेंगे और देश की जनता को आगाह करेंगे और बेनकाब करेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की हरकत को। निस्संदेह ये बहुत गंभीर मामला है।
हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।